हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो हाई कमीशन जो पैनल था उसकी रिपोर्ट आनी थी, तो उसके बारे में रेल मंत्री खुद अश्विनी वैष्णव ने कुछ कहा है। और ये जो न्यूज़ आई है, ये पूरा नोटिस जो आया है वो अमर उजाला में आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। तो क्या उन्होंने इस विषय में बोला है वो सब मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल बताऊंगा। रेल भर्ती परीक्षाओं की चिंता का समाधान जल्द होगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। और डिटेल में क्या क्या बोला है वो वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर से देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं बता दूंगा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज तैयार की है, मॉक टेस्ट तैयार किए हैं और ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। तो बहुत छोटे से अमाउंट के साथ ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये सभी हमारी वेबसाइट guru-kitab.com पर अवेलेबल हैं। दोनों ही एग्जाम के लिए हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मॉक टेस्ट हमने यहाँ पर तैयार किए हैं और सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल ये मॉक टेस्ट है। इसमें सभी ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जिस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, इससे आपको प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलने वाली है। रेलवे भर्ती परीक्षा की चिंताओं का समाधान जल्द होगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। उम्मीदवारों के उठाए मुद्दों पर गौर कर रही उच्च अधिकार समिति। तो केंद्रीय मंत्री जो हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा से जुड़ी सभी चिंताओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की तरफ से उठाए गए मुद्दों के आधार पर समाधान निकालने के लिए बनाई गई उच्चाधिकार समिति को 3 लाख अभ्यावेदन मिले हैं। समिति फिलहाल उम्मीदवारों की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर गौर कर रही है, जिनके आधार पर एनटीपीसी के सीबीटी के पहले चरण के परिणाम और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट करने की पद्धति की सिफारिश देगी। हालांकि पहले समिति को 4 फरवरी को रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन भारी संख्या में आए अभ्यावेदन पर गौर करने में समय लग रहा। तो गाइस, जो 4 मार्च को, ये 4 फरवरी नहीं, एक्चुअली ये 4 मार्च होना चाहिए, ये गलत प्रिंट हुआ है। तो 4 मार्च को जो रिपोर्ट आनी थी, जो रिजल्ट आना था उस विषय में, तो वो अभी नहीं आया है, उस पर अभी भी विचार चल रहा है। परीक्षा में अनियमितताओं के चलते परीक्षार्थियों के विरोध के बाद आरआरबी ने 15 फरवरी और 23 फरवरी को होने वाले एनटीपीसी और लेवल फर्स्ट परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। उम्मीदवारों के आरोपों की जाँच के लिए बैनी समिति में दीपक पीटर, राजीव गांधी, आदित्य कुमार, जगदीश अलगर और मुकेश गुप्ता शामिल है। शुक्रवार को वैष्णव ने ट्वीट कर बताया कि समिति के विश्लेषण के आधार पर आरआरबी की तरफ से कुछ ही दिनों में समाधान की सूचना दी जाएगी। तो इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ है। करीब 25 करोड़ उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसके आधार पर लेवल 2 से 6 तक के 35,000 से अधिक पदों को भरा जाना है। परीक्षा को लेकर पिछले महीनों लाखों उम्मीदवार सड़कों पर उतर आए थे, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला था। उम्मीदवारों ने भेदभाव का भी आरोप लगाया है। उम्मीदवारों ने परीक्षा में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अंतिम चयन के लिए दूसरे चरण की परीक्षा अमल में उन उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी है जो 15 जनवरी को जारी कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही रखते हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि परीक्षा को उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों के पक्ष में ढाला गया है, जबकि इन नौकरियों के लिए उच्च योग्यता की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ कहना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। और इस पर अभी समाधान है इसका अभी आया नहीं है। जो 4 मार्च को डेट रखी गई थी, अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया है। बहुत जल्दी निर्णय लेने की बात यहां पर रखी गई है और आपके पक्ष में ही ये निर्णय रहेगा भी। तो गाइस, ये थी अभी तक की रेलवे की तरफ से एक न्यूज जो कि ऑफिशियल नहीं आई है, केवल न्यूज़पेपर अमर उजाला के माध्यम से ये न्यूज छपी है और ये मैंने आपके सामने शेयर की है। तो रेलवे की तरफ से और भी कोई सूचना होगी, कोई भी ऑफिशियल अपडेट रहेगा, वो भी मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू।